आदमपुर महासंग्राम को लेकर हम बात कर रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से बयान दिया गया। आदमपुर की जनता एक वोट से दो बदलाव करने वाली है। पहला बदलाव आदमपुर में, दूसरा बदलाव हरियाणा में होगा। तो दावा यह है कि दो बदलाव होंगे। ये आदमपुर केवल आदमपुर का भविष्य तय नहीं करेगा बल्कि हरियाणा की राजनीति की दिशा भी तय करने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए आदमपुर को लेकर हमने पहले भी बात की थी, बयानबाजी लगातार शिखर पर है। अब दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि दो बदलाव आदमपुर का उपचुनाव लेकर आएगा। पहला आदमपुर की जनता के लिए बदलाव होगा, दूसरा राज्य की राजनीति के लिहाज से भी ये बड़ा बदलाव साबित होने वाला है। हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो कई मुद्दों को लेकर देखिए बात की गई है। बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन हर महीने दी जाएगी। बीजेपी ने जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी उन्हें एक बार फिर से पेंशन देंगे। तो खाली पड़ी सभी सरकारी पदों पर पक्की भर्ती की जाएंगी। सफाई कर्मचारी और चौकीदारों को पक्का किए जाने का काम किया जाएगा। सकारात्मक बदलाव हमारा मुख्य मुद्दा होने वाला है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है, क्या कुछ ये बोले हैं सुनिए। आदमपुर में लोगों का बहुत अच्छा रुझान, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें चुनाव में, और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हमारे उम्मीदवार जयप्रकाश जी जीतेंगे। कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं? प्रश्न सर, राम रहीम पैरोल पर बात। एक और बात इसमें आई है जी, हमारा जो इस चुनाव में जो मुद्दा है वो सकारात्मक बदलाव आए प्रदेश में, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आदमपुर की एक वोट से लोग दो बदलाव करने का काम करेंगे। एक तो आदमपुर में एक ऐसे जनप्रतिनिधि जिनकी कार्यशैली निराशाजनक रही है, जो ना कभी विधानसभा में बोलते, ना संसद में बोलते, ना कोटा लगाते अपना जो सांसद कोटा है, ना वो कभी लोगों सुख दुख में रहते, वो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के इच्छा अनुसार पार्टियां बदल लेते हैं पार्टियों के साथ सेटिंग करके, मगर लोगों के सुख दुख और विकास से उनका ज़्यादा लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। तो लोग उनको बदलना चाहते हैं। पहला बदलाव आदमपुर में, दूसरा हमारा मुद्दा है हरियाणा में बदलाव। आदमपुर में लोगों का बहुत अच्छा रुझान, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें चुनाव में, और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हमारे उम्मीदवार जयप्रकाश जी जीतेंगे। कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं? प्रश्न सर, राम रहीम पैरोल पर बात। एक और बात इसमें आई है जी, हमारा जो इस चुनाव में जो मुद्दा है वो सकारात्मक बदलाव आए प्रदेश में, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आदमपुर की एक वोट से लोग दो बदलाव। चलिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी फोन लाइन पर हैं। अमित, कई मुद्दे तो देखिए गिनवाए गए हैं दीपेंद्र हुड्डा की ओर से, लेकिन कुलदीप बिश्नोई पर प्रहार करते हुए जिस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है कांग्रेस ने, कि कुलदीप बिश्नोई का कोई स्टैंड नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए कभी भी दल बदल कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है जिसे कांग्रेस भुनाने के प्रयास में लगातार करे। निश्चित रूप से ज्योति, अगर बात करें आदमपुर के महासंग्राम की, तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ही यही उभर कर आ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई की एक तो हलके में चुनाव जीतने के बाद अनुपस्थिति, दूसरा बार बार पार्टी बदलना, और पहले हरियाणा जनहित कांग्रेस थी, फिर कांग्रेस में आ गए और अब भाजपा में आ गए हैं। और एक एक सबसे और अहम बात है कि उपचुनाव क्यों हो रहा है, और वो सिर्फ कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के कारण हो रहा है क्योंकि उन्होंने दल बदल किया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ही लोग जो है, तमाम पार्टियों के नेता और विशेष रूप से कांग्रेस, इस मुद्दे को लेकर लगातार आरोप लगा रही है कुलदीप बिश्नोई पर। और विकास के मामले में हल्का पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जमीनी हकीकत यही कहती है। तमाम मुद्दे हैं, विकास भी है, कुलदीप बिश्नोई की एब्सेंस है, और लगातार जो इनका स्टैंड पर नहीं रहना, ये तमाम मुद्दे हैं, इन्हीं को लेकर जनता के बीच जाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जनता का मत क्या रहता है, क्योंकि कुलदीप है वो इनका जवाब भी दे रहे हैं। भव्य बिश्नोई के साथ लगातार अपना चुनाव प्रचार उन्होंने जो भव्य बिश्नोई के लिए शुरू कर रखा है, दोनों पिता पुत्र लोगों के बीच जाते हैं और तमाम आरोपों का जवाब भी दे रहे हैं। जी ज्योति। अच्छा अमित, देखिए बड़ी बात ये भी कि वोट एक होगा लेकिन बदलाव दो होंगे। पहला बदलाव आदमपुर के लिए होगा, दूसरा पूरे ही प्रदेश के लिए होगा, ये दावा भी किया गया दीपेंद्र हुड्डा की ओर से। निश्चित रूप से ज्योति, अगर दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ आम आदमी पार्टी की बात भी करें, ये तमाम पार्टियां एक बात जरूर उठाकर चल रही है कि आदमपुर में उपचुनाव जरूर है लेकिन नजर 2024 पर है, तो इस मुद्दे को भी लेकर चल रही है कि एक वोट से दो बदलाव होंगे, कि आज आदमपुर में उपचुनाव के जरिए जो बदलाव आएगा
उसकी जो आहट है वो आगे दिखाई देगी, उसका पूरा जो सीन है वो राजनीति का वो बदलने का काम ही है आदमपुर उपचुनाव करेगा, ऐसी बातें लगातार इस महासंग्राम में की जा रही है। आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर हैं, आप लोगों के बीच भी जा रहे हैं, उनकी नब्ज टटोलने का काम भी आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इलेक्शन कैंपेनिंग बहुत कुछ डिसाइड कर देती है। इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर बात करें, कौन से दल की किस तरह से प्रचार की अभी प्रक्रिया जारी है, कौन कौन से योद्धा या स्टार प्रचारक मैदान में हैं आदमपुर में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जैसे जैसे घोषणाएं हुई थी तभी जो स्टार जो प्रचारक है उनकी सूची भी जारी कर दी गई थी। अगर मुख्य रूप से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है उन्हें अभी मैदान में उतरना है। फिलहाल जो मजबूती से अगर लगे हुए तो कुलदीप बिश्नोई अपने पुत्र भव्य बिश्नोई के साथ गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं और सीधा संवाद करते हैं, वोट की अपील करते हैं। जेपी दलाल है, कृषि मंत्री हैं और इस चुनाव के प्रभारी हैं, उन्होंने भी अपना संपर्क किया है। साथ साथ कृष्ण पवार हैं, वे भी गए हैं लोगों के बीच में, तो अभी उतरना शुरू है। अगर कांग्रेस की बात करें तो जयप्रकाश के साथ साथ अगर अशोक अरोड़ा है, दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्य रूप से पूरा जयप्रकाश का प्रचार अभियान संभाल रखा है। भूपेंद्र हुड्डा नामांकन दाखिल करवा गए थे, उसके बाद उन्होंने लगातार हल्के से संपर्क भी किया, और साथ साथ उदय भान प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस के, वे भी लोगों के बीच उतरे हुए हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अनुराग ढांडा लगातार आ रहे हैं, सुशील गुप्ता आ रहे हैं, तो ऐसे में तमाम लोग जो है जो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है वे आ रहे हैं और वोट की अपील अपने अपने उम्मीदवारों के लिए कर रहे हैं। और दूसरी ओर इनेलो के लिए कोडाराम नंबरदार है, उनके लिए अभय सिंह लगातार वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो प्रचार कर रहे हैं। देखना है यह होगा कि लोग किसके प्रचार से ज्यादा जो आकर्षित होते हैं। जी बिल्कुल, देखना ये होगा किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करती है, किससे प्रभावित होती है, किसकी तरफ रुझान रहता है जनता का। बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी आपने दी और बातचीत की। क्या कुछ कहता कि आदमपुर, ये हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे थे कि देखिए कैंपेनिंग तो लगातार जारी है, खासतौर पर जेपी की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की ओर से पूरा जोर लगा दिया गया है, जनता के बीच लगातार वो जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को लेकर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और साथ ही पीएम मोदी की नीतियों, सीएम मनोहर लाल की नीतियों और चौधरी भजन लाल के नाम पर जीत का दम भरते हुए नजर आ रही है। उधर आम आदमी पार्टी भी बार बार ये कहती है कि ये बाहरी और स्थायी का चुनाव है, ये अपने और पराए का उपचुनाव है, ये उपचुनाव आदमपुर की जनता का भाग्य बदलने वाला है। तो इनेलू भी लगातार जीत का दम भर रही है, लेकिन जनता क्या डिसाइड करती है देखना ये होगा। चूंकि दीपेंद्र हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि एक वोट से दो बदलाव इस बार होने वाले हैं। बदलाव आए प्रदेश